असल्यूज़ पी के मशांद मेरा नाम आमिर है और यह है हुआ नोवा सेवन आई का फुल रिव्यू ये फ़ोन ईद के आसपास लॉन्च हुआ था और तब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी फ़ोन की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में चवालीस हज़ार रुपये रखी गई है लेकिन मुमकिन है कि मार्केट में आपको ये एक से डेढ़ हज़ार रुपये सस्ता मिल जाए अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ी है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा फोन एक ही वेरेंट में पाकिस्तान में लॉन्च होगा आठ जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी बिल्टन स्टोरेज और हमारा आज का डिवाइस सकूर पिंक कलर में है और आप बैकग्राउंड भी चेक कर रहे होंगे थोड़ा हमने मैचिंग मैचिंग रखा है लेकिन ये फोन खरीदने से पहले मेरी आपको रिकमेंडेशन है आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस फोन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो बहुत हुआ इंट्रो अब चलते हैं रिव्यू की तरफ देखते रहिए रिव्यू को शुरू करेंगे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से तो फोन के आगे ग्लास है जबकि बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं यहाँ कोई घुड़ेला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है फोन की बैक इस ग्लॉसी फिनिश में है और ये सकूर पिंक कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा बैक पे कैमरा अरे भी राउंडेड एजेस वाले स्क्वायर में है जैसे हमने लेटेस्ट आईफोन्स में देखा है और ये स्टाइल भी मुझे अच्छा लगता है फोन की हैंड फील मुझे अच्छी लगी और कर्व्ड एजेस के साथ ये फोन हाथों में उठाने में कंफर्टेबल भी है तो बिल्ड और डिजाइन के हवाले से मैं इस फोन के लुक से तो बहुत ही खुश हूँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा लेकिन जहां तक बात है की, तो इस प्राइस रेंज में आपको आमतौर पर घरेला ग्लास भी मिलता है और बेहतर होता का है तो पी आई है डिस्प्ले पि के टॉप लेफ्ट पे एक होल पंच कटआउट दिया गया है जिसके अंदर इस फोन का सेल्फी कैमरा है इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत पंची है और शार्पनेस के हिसाब से भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप बड़े डिस्प्ले प्रेफर करते हैं तो साइज में ये कंपेटेटर से थोड़ा पीछे रह जाता है इसी प्राइस रेंज में Redmi का Note 9S आपको एक बड़ा डिस्प्ले ऑफर करता है जबकि Realme 6 में तो आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला नाइन्टी हर्ट्स का डिस्प्ले मिलता है लेकिन हर किसी को बड़े नहीं अच्छे लगते तो उस हिसाब से ये फोन सिंगल सेडेड यूज के लिए अच्छा है अब अगर आ जाए परफॉर्मेंस और इंटरनल्स पे जो कि मेरे हिसाब से नोवा सेवन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है तो इस फोन के अंदर फाइनली हाई सिलिकन का किरण एट चिपसेट लगाया गया है जो कि सात नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और साथ में माली जी फिफ्टी है हम बहुत अरसे से हुआ के फोन में किरण सेवन

तो जायजा लेते हैं नोवा सेवन आई की परफॉर्मेंस का तो टेस्टिंग में, 4 में, फोन का सिंगल के मेन कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज है कि किरण एट टेन सबसे एडवांस मैन्युफेक्चरिंग नैनोमीटर पर बेस्ड है जबकि रेडमी नोट नाइन में लगा स्नैप ड्रैगन सेवन ट्वेंटी नैनोमीटर्स और रियलमी सिक्स

स्कोर्स देखें तो कम नैनोमीटर का आर्किटेक्चर होने के बावजूद भी आपको Redmi Note 9s से बेहतर बेंचमार्क परफॉर्मेंस मिलती है अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो की बात करें तो किरण एट टेन बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है और आपकी सारी ऐप्स इवन हैवी एप्स हैंडल कर लेगा फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे कहीं भी कोई लैग या हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई गेमिंग पे आए तो यहाँ भी फ़ोन खास तौर पर एक्सेल करता है मैंने नोवा सेवन आई पर पबजी चलाई पबजी की अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करके तो गेम बाय डिफ़ॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली और मुझे खेलते हुए भी बहुत स्मूथ लगी साथ ही साथ मैंने इस फोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी ए प्योर के जरिए इंस्टॉल की और अगेन गेम बहुत ही स्मूथ चली बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पर चल रही थी और मैंने इसे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स करके भी खेला तो नो no इश्यूज तो ये बेंच मार्क परफॉर्मेंस देख के और फिर रियल वर्ल्ड इस्तेमाल करके मैं कन्विंस्ड हूँ कि इस प्राइस रेंज में किरण एट टेन इस वक्त का बेस्ट प्रोसेसर है अपनी पावर के लिहाज से भी और एफिशियंसी के लिहाज से भी तो जहां बात हो रही है एफिशंसी की वहां आप बात करेंगे नोवा सेवन आई के अंदर लगी बैटरी और इसके चार्जिंग सेटअप की तो फोन के अंदर चार हजार दो सौ मिलियन पावर की बैटरी आती है जो कि साइज़ में थोड़ी सी छोटी है लेकिन अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इस फोन में हुआवे की सुपर चार्ज है जो कि फोन को पच्चीस वॉट नहीं वॉट भी नहीं बल्कि चालीस वॉट में चार्ज करती है यह काफी हद तक एक फ्लैगशिप किस्म का फीचर है और Huawei का अपना दावा है कि यह फोन आधे घंटे में सत्तर फीसद हो जाता है जो कि मैंने टेस्ट किया मेरी टेस्टिंग में में आधे घंटे पैंसठ चार्ज हुई थी लेकिन यह फोन एक घंटा और पांच मिनट में पूरा चार्ज हो गया था क्योंकि यकीन एक बहुत ही इंप्रेसिव फीट है छोटी बैटरी होने के बावजूद भी अगर आप इस फोन को दिन के बीच में भी थोड़ा बहुत चार्ज कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बैटरी मिल जाएगी और आपका काफी सारा टाइम निकल जाएगा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली अगर आप उन लोगों में

और डिटेल्स हैं शार्पनेस और क्लैरिटी की बात करें तो काफ़ी सारी इमेजेस मुझे क्लियर लगी लेकिन कुछ कुछ इमेजेस सॉफ्ट आ रही थी और इसको सही करने के लिए अक्सर औकात फोटोज में मुझे अग्रेसिव शार्पनिंग महसूस हो रही थी और जब आप इमेजेस ले रहे होते हैं तो स्क्रीन पे शार्पनिंग प्लीज स्टडी और डिवाइस का मैसेज आता है इस चीज ने मुझे थोड़ा तंग किया सेल्फीज की बात करें तो मुझे सेल्फी कैमरा अच्छा लगा सेल्फीज़ में डायनामिक रेंज भी अच्छी थी और कलर्स भी एक्यूरेट थे तो अगर फोटोग्राफी की बात करें तो वहां तो हुआवन नोवा सेवन के कैमरा ने मुझे काफी हद तक इंप्रेस किया है लेकिन जहां बात आ जाती है वीडियो की तो वहां ये फोन थोड़ा पीछे रह जाता है इस फोन के अंदर अव्वल तो कोई फोर वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद ही नहीं है और साथ ही साथ जब आप टेन वीडियो लेते हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन भी नहीं है यह चीज़ मेरे हिसाब से इस फोन का एक हैंडी है क्योंकि आजकल के फोन फोर वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑफर करते हैं और टेन में

यहां आ जाती है वो बात जो आप सबके जहन पे यकीन होगी जैसा कि आप जानते हैं हुआवे और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्स हुई हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने हुआवे के ऊपर कुछ कदगने लगा दी हैं और उसका नतीजा यह निकला है कि गूगल ने हुआवे को बैन कर दिया है और अब नेटिवली हुआवे नोवा सेवन आई के अंदर गूगल सर्विस फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जिसका मतलब है कि इस फोन के अंदर गूगल की कोई भी एप्स नहीं है आपको इसके अंदर यूट्यूब नहीं मिलेगा नेटिवली आपको जी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर गूगल मैप्स भी नहीं मिलेगा मैंने काफी तरीके ऑनलाइन रिसर्च किए कि गूगल के सर्विसेज इस फोन के अंदर कैसे इंस्टॉल की जाएंगी और मुझे जो अब तक सारी चीजें मिली हैं काफी हद तक जुगाड़ी तरीके हैं और मैं कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जो मैं चला पाया हूं और मैं जानता हूं ऐसे तरीके होंगे जो कि यकीन चल सकते हैं लेकिन फिर भी ये जुगाड़ी तरीके हैं और ये करने से आपके फोन के अंदर एरर्स भी आ सकते हैं आपको आगे जाके कोई मसले मसायल हो सकते हैं अब अगर गूगल सर्विस फ्रेमवर्क नहीं होता तो गूगल की एप्स भी नहीं होती लेकिन मुझे उससे कोई इशू इतना बड़ा नहीं है यूट्यूब जी मेल गूगल मैप्स इन सबके मुतबाद आपको मिल जाएंगी लेकिन जो बड़ा मसला इस फोन के साथ मैंने देखा है है वो ये है कि काफ़ी सारी दूसरी एप्स ऐसी हैं एप्सिस्टम के अंदर जो कि गूगल सर्विस हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो लोकल एप्स हैं मिसाल के तौर पर इस फोन पर इजी पैसा नहीं चलेगा इस पर करीम नहीं चलेगी इस पर आपकी कोई भी लोकल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलेंगी बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो लोकल कंपनीज ने यहां पर बनाई हुई हैं जैसे कि किस पाकिस्तान मैंने सुना है वो भी इस पर नहीं चलेगी अब एट द एंड ऑफ द डे कितना चांस है कि यहाँ की लोकल कंपनीज़ अपने सैकड़ों या चंद हज़ारों ऐसे कस्टमर्स जिनके पास हुआवे के नॉन गूगल फ़ोन्स हैं उनके लिए रिसोर्स साइड पे करके और न्यू ऐप्स बनाएं या अपनी ऐप्स को तब्दील करके हुआवे ऐप गैलरी के अंदर डालें इसका चांस मुझे पर्सनली बहुत कम लगता है हो सकता है फ्यूचर में जाके हम ऐसा कुछ देखें लेकिन फिलहाल आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ऐप्स इस फोन पर ना चलना एक बड़ा डील ब्रेकर है इस प्रोडक्ट पर पूरे पैसे खर्च करने के बावजूद भी आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और इसी वजह से मैं एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता अफसोस हुआ आपके नोवा सेवन आई के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपके इस सुबह गूगल बैन के बारे में क्या ख्याल आते हैं और क्या आप इस सबके बावजूद भी नोवा सेवन आई खरीदना पसंद करेंगे या नहीं इस वीडियो में इतना ही उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़